हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, क्या फेसबुक ने आपका भी अकाउंट को डिसेबल कर दिया परमानेंट? क्या आपका भी अकाउंट इस प्रकार से डिसेबल हो गया है? आप एक और स्क्रीनशॉट स्क्रीन में आपको दे दूंगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे क्या। तो मेरे सब्सक्राइबर का मैं ऐसा प्रॉब्लम आता था, बट मेरे में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जब मैं लॉगिन कर रहा हूं। तो आप ये दोनों प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे कर पाएंगे, आज मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, सही है? तो जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा हेयर करके, सही है? यहां पर मैं मार्क भी कर देता हूं, इस पर आपको क्लिक कर देना है फटाफट। तो मैं फटाफट ट्रिक को भी बता देता हूँ, सही है? जैसे ही आप उस हेयर पे क्लिक करोगे, फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे। तो आपका मतलब इस प्रकार से अगर डिसेबल हुआ होगा तो आपको सर्च बार में एक मतलब चले जाना है, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे। सर्च बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर लिख लेना है, सही है? हेल्प सेंटर फेसबुक। जैसे ही आप उस पर क्लिक मतलब सर्च करोगे, फिर आपको ऐसा मतलब हेल्प सेंटर करके आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, सही है? जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सही है? तो मैं सीधे सीधे आपको करना क्या है, मैं अभी आप सबको बता रहा हूँ, सही है? तो आपको करना क्या है, ये जो थ्री लाइन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे स्क्रीन में, सही है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको तो ये सेकंड नंबर में जो दिख रहा है गाइस, रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विथ फेसबुक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन फिर से आ जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे। फिर आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना है, ये जो एरो का निशान दिख रहा है गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से मतलब ऊपर आ जाना है, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे दूसरा पेज मतलब ओपन हो गया है। जैसे ही आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, वाज दिस हेल्पफुल, सही है? तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, फिर ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा द सॉल्यूशन डजंट वर्क, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शनल देना है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकता हूँ और यहाँ पर आप नोटपैड में भी आप देख भी सकते होंगे, सही? अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना भूल जाऊँ तो आप यहाँ से आप नोटपैड में भी आप देख भी सकते होंगे, सही है? तो आपको इसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है स्क्रीनशॉट करके, सही है? तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये ऑप्शनल में आपको ये पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है। आपको कुछ नहीं देना है, वैसे भी तो आपका अकाउंट लॉगिन है, तो आपको कोई मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। तो इतना देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पीछे जाके एक बार फिर से रिपीट करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, सही है? तो आपको सीधे सीधे आप सबमिट पर क्लिक कर देना है ऑप्शनल देने के बाद। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये हमारा फीडबैक फेसबुक टीम के पास पहुंच गया है, जैसे कि आप देख भी सकते होंगे, थैंक यू फीडबैक, सही है? वैसे भी तो आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है, आपको पता ही होगा। अगर आप 7 डे तक वेट कर लेते हो तो आपका अकाउंट कहीं नहीं जाएगा। उम्मीद करता मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप बार बार लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट तो कभी भी अनलॉक होगा ही नहीं, सही है? इसलिए आपको 7 डे तक वेट कर लेना है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।